हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऑनियन शैम्पू। जी हाँ, ऑनियन शैम्पू जो आपके बाल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा आपके हेयर्स पर। हमें सिर्फ उसके लिए चाहिए बेबी शैम्पू और ऑनियन। मैं पहले आपको इंट्रो दे दूंगी इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, ये आपके बालों के लिए कितना इफ़ेक्टिव है। विंटर में हम बहुत सारे लोग को इश्यू होता है कि ऑनियन शैम्पू या ऑनियन जूस यूज़ करने से उन्हें किसी को सर्दी हो जाती है, लेकिन आपको विंटर में भी आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जूस नहीं तो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं आप। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है ऑनियन शैम्पू। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। इफ़ अगर आप वीक में 2 टाइम्स अगर आप ये यूज़ करें, मैं एक बहुत जल्द आपको एक इसका ऑनियन टोनर भी बताने वाली हूँ, सीरम कर हो या टोनर बताने वाली हूँ, जो आप इफ़ अगर आप वो भी यूज़ करके अगर आप ये शैम्पू यूज़ करें तो आपके बाल में ड्रास्टिकली चेंज आएगा। 1 मंथ में ही आपको, 15 डेज़ में ही आपको इफ़ेक्ट दिखेगा, 1 मंथ में तो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखेगा। सबका अलग अलग हेयर कंडीशन रहता है, बट आपको इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे, आपके स्कैल्प अगर ड्राई है तो आपकी ड्राइनेस जाएगी, इचीनेस जाएगी, डैंड्रफ जाएगा आपका, इवन आपके हेयर में स्मूथनेस आएगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें ऑनियन शैम्पू कैसे बनाते हैं। पहले मैंने 4 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हैं और उसे छोटा छोटा कट कर लिया है स्मॉल पीसेस में, और एक स्मॉल बेबी शैम्पू लीजिए, आप कौन सा भी ले सकते हैं। मुझे अब जॉनसन्स ही मिला था इसीलिए मैंने जॉनसन्स बेबी शैम्पू लिया है। एक आप कौन सा भी कंटेनर ले लीजिए, मेरे पास तो कॉफ़ी का बॉटल था, मैंने ले लिया है, लेकिन आप इसे प्लीज़ ग्लास का ही बॉटल लीजिए, प्लास्टिक का मत लीजिए। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम कैसे बनाते हैं रेमेडी। मैंने ये ऑनियन जूस को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप स्मॉल मिक्सी ग्राइंडर जो आता है ना, जिसमें मसाले ग्राइंड करते हैं, मसाला जार, आप उसमें अच्छे से उसे ग्राइंड कर लीजिए और आप ऐसे जूस निकाल लीजिए उसका। देखिए ये 1/2 कप से थोड़ा कम है, ऐसे जूस निकालिए। ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है, प्लीज़ आप कुछ भी स्किप ना करिए, आप प्लीज़ इसे फॉलो करिए वीक में 2 टाइम्स, आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। एक ऐसा कंटेनर लीजिए ग्लास वाला, मैंने ये कॉफ़ी का बॉटल लिया था, देखिए नेस्कैफे का मेरे पास था, अच्छे से वॉश कर लीजिए। फिर हम उसमें ये ऑनियन जूस ऐड करेंगे, आप उसी में ये पूरा जॉनसन एंड जॉनसन्स का शैम्पू, बेबी शैम्पू लीजिए प्लीज़, आप कोई भी एडल्ट शैम्पू नहीं यूज़ करिए, जैसा कि वाटिका एंड ऑल सनसिल्क, सिर्फ बेबी शैम्पू ही यूज़ करिए प्लीज़। हम इसमें ये जॉनसन एंड जॉनसन्स का शैम्पू ऐड करेंगे। ऐसा पूरा ओपन कर लीजिए और ऐसे इसके अंदर ऐड करिए, बट मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी कि आप अगर इक्वल कंसिस्टेंसी भी ले सकते हैं, आप शैम्पू जितना है आप उतना ही ऑनियन जूस भी ले सकते हैं, या आप ऑनियन जूस थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करिए इसे। आप प्लीज़ ये बनाइए और यूज़ करिए, ये बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इससे आपके बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ आएंगे, बेबी हेयर्स तो बहुत जल्दी आएंगे, इवन आपके स्कैल्प का डैंड्रफ जाएगा, इचिंग नहीं होगी आपको। टाइट बंद करिए और इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करिए।
बट ये शैम्पू आपको अभी यूज़ नहीं करना है, आप इसे बनाइए, इसे बनाकर आप प्लीज़ इसे 15 डेज़ के लिए कोई डार्क प्लेस पे रखिए। डार्क प्लेस मीन्स आप कोई अलमारा या किसी में आप इसे रख दीजिए 15 डेज़ के लिए रखिए। 15 डेज़ के लिए आप इसे रख के फिर आप उसको वीक में 2 टाइम्स यूज़ करिए। मैं आपको एक टोनर भी बनाऊंगी, ऑनियन का सीरम बताऊंगी मैं आपको हेयर की ग्रोथ के लिए। आप उसके साथ अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसके इफ़ेक्ट्स। आपको फर्स्ट डे से ही आपको आपके आपके स्कैल्प की इचिंग अगर आपको है, या आपको किसी को डैंड्रफ वो ज़्यादा रहता है, डैंड्रफ नहीं आएगा, डैंड्रफ जाएगा और आपके हेयर सिल्की और स्मूथ रहेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।